नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं रोहितास और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जलको नोर बादरा। किसान भाइयों, इस चैनल पर मंडी भाव से जुड़ी ताजा खबरें, जैसे अपने आसपास की मंडियां नोहर, आदमपुर, शिवानी, नोखा, बीकानेर, जोधपुर, शिवानी, आदमपुर, इन मंडियों के ताजा भाव इस चैनल पर सबसे पहले आपको सही भाव के साथ उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आप इस चैनल पर बने रहिए और अपनी मंडी का नाम कमेंट बॉक्स में हमें उपलब्ध कराइए, ताकि आपकी मंडी के भाव हम आप तक पहुंचा सकें। किसान भाइयों, इस वीडियो में स्पेशल ग्वार के बारे में आपको एक वीडियो लेके आए हैं। वीडियो का हमारा टाइटल है, क्या ग्वार फिर जाएगा 7000, क्या रहेगी तेजी या मंदी, इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, देखते हैं ग्वार की कीमतों में आई इस तेजी के पीछे मुख्य वजह इस बार समय बारिश नहीं होने की वजह से ग्वार के उत्पादन में भारी कमी आई है। किसान भाइयों, आपको पता ही है कि इस बार बरसात है वो बहुत कम हुई है, इसी वजह से ग्वार उत्पादन भी बहुत कम हुआ है, उत्पादन में भारी कमी आई है। जबकि अब यूरोप में ग्वार की पैक की मांग लगातार बढ़ रही है, तो क्योंकि यूरोप देशों में ग्वार बहुत कम है और हमारे पास भी ग्वार है वो बहुत कम है किसानों के पास, क्योंकि बरसात कम हुई है, उत्पादन कम हुआ है, इसी वजह से ग्वार भी कम मात्रा में किसानों के पास है। तो यूरोप में इसकी मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं पाकिस्तान, सूडान से एक्सपोर्ट में गिरावट आई है। मांग में तेजी के कारण भी ग्वार सीड और ग्वार गम की कीमतों में सपोर्ट मिल रहा है। सप्लाई में कमी से भी किसानों में ग्वार की कीमतों में उछाल आया है। एनसीडीएक्स ग्वार वायदा के बीते दिन जारी गिरावट के बाद कल फिर ग्वार ने ऊपरी सर्किट आया है। ग्वार गम और ग्वार सीड में 6% का ऊपरी सर्किट देखने को मिला। एनसीडीएक्स पर कल के कारोबारी स्तर में ग्वार दिसंबर वायदा अनुमान 727 रुपए की जोरदार तेजी के साथ 12,860 रुपए, ग्वार सीड यानी गम है वो 12,860 रुपए और ग्वार सीड है वो दिसंबर वायदा अनुबंध के करीब 348 रुपए की तेजी के साथ 6,158 रुपए प्रबंध हुआ था। एनसीडी तो वायदा पर आज के भावों की बातें करें तो एक बार फिर कल की तेजी के बाद उठापटक देखने को मिल रही है। आज बुधवार 30 नवंबर के कारोबारी स्तर में ग्वार गम दिसंबर वायदा अनुबंध कल के मुकाबले 144 रुपए की तेजी के साथ 13,004 पर खुला। बाजार खुलने के बाद खबर लिखे जाने पर ग्वार गम ने 13,120 रुपए का हाई और 12,785 का लो बनाया, यानी ग्वार गम का उच्चतम भाव 13,120 रुपए और न्यूनतम 12,785 का रहा, जबकि ग्वार सीड दिसंबर वायदा 63 रुपए की तेजी के साथ 6,221 रुपए पर खुला। बाजार खुलने के बाद अभी तक ग्वार सीड 6,690 का हाई और 6,060 रुपए का न्यूनतम भाव छू चुका है। तो किसान भाइयों, कल तक के ग्वार के भाव इस प्रकार है। नोर मंडी में ग्वार 5,800 रुपए से 5,964, रावसर मंडी में ग्वार 5,800 रुपए से 6,609 रुपए, संगरिया मंडी में ग्वार 5,434 से 5,916, गंगानगर में 5,230 से 5,913, गोलवाला में 5,200 रुपए से 6,016, पीड़ीबंगा में 6,070 से 6,126, टेलनाबाद में 5,100 रुपए से 6,060, सिरसा में 5,400 रुपए से 5,941, आदमपुर मंडी में 5,500 रुपए से 5,882 और भट्टू मंडी में 5,050 रुपए से 5,465 रुपए प्रति क्विंटल बिका। अब चर्चा करते हैं क्या ग्वार में फिर से आएगी तेजी। तो ग्वार की कीमतों में तेजी के बाद मुनाफा वसूली के चलते ग्वार की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी। जानकारों की माने तो ग्वार का उत्पादन इस बार काफी कम बताया जा रहा है, मंडियों में भी ग्वार की आवक कम हो रही है। किसानों ने तेजी की उम्मीद में ग्वार रोक लिया है, क्योंकि किसान भाइयों, ग्वार की जो मंडियों में है वो खरीद कम है, इसी वजह से किसानों ने भी ग्वार है वो रोक के रखा है। ऐसे आने वाले दिनों में ग्वार की कीमतों में फिर से एक बार 7,000 रुपए तक के आंकड़े को पार कर सकती है। हालांकि ग्वार में यहाँ के एक बड़ी गिरावट की कोई संभावना नजर नहीं आ रही, ऐसे में हमारा मानना है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ग्वार एक बार फिर तेजी आने वाली है। तो किसान भाइयों, आने वाले दिनों में ग्वार 7,000 तक फिर से जा सकता है, क्योंकि ग्वार में लगातार तेजी ही तेजी आ रही है, क्योंकि कोई बड़ी गिरावट ग्वार में देखने को अभी तक नहीं मिली है। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास ग्वार है तो जैसी जैसी तेजी आए उसके हिसाब से आप बेचना, और
इस वीडियो को अपने साथी किसान भाइयों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।